नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 8 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 8 मार्च, और 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। देखिए इस बार 2023 का जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है उसका थीम है एम्ब्रेस इक्विटी। ठीक है, देखिए महिलाओं को बिल्कुल इक्वल सम्मान की ज़रूरत है, और देखिए भारत सरकार ने भी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई है। अब देखिए एम्पावरमेंट की महिलाओं को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे समाज ने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी हैं कि भाई बिल्कुल इनको आगे लेके आने की ज़रूरत है, और उसकी शुरुआत हम अपने घर से हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी स्कीम चलाई गई है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, उज्ज्वला स्कीम है ना, जो प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन है ना, और क्या है दूसरा सखी निवास के बारे में भी है ना। उसके बाद में बात करें सौधार ग्रह भी है, वुमेन अगर उनको डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज हैं तो उनके लिए सौधार ग्रह है। नारी शक्ति पुरस्कार भी है। अब नारी शक्ति पुरस्कार देखिए काफी चर्चा में रहता है, तो नारी शक्ति पुरस्कार में कितना पैसा दिया जाता है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वुमेन्स हेल्पलाइन स्कीम है, महिला पुलिस वॉलंटियर है, महिला शक्ति केंद्र है, निर्भया है ना, बहुत सारी स्कीम भारत सरकार ने चलाई हुई है। तो इसी के साथ स्कीम से कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ मतलब स्कीम नहीं कर पाएंगी। सबसे पहले अपने घर में महिलाओं को देना सीखें। ठीक है, क्रिटिसाइज करना, कमेंट देना, गाली देना मोस्ट वेलकम दे सकते हैं, लेकिन महिलाओं को प्रायोरिटी देना चाहिए और घर से शुरुआत होनी चाहिए है ना। समाज में जो ड्रामेटिक थिंग्स क्रिएट कर रखे हैं कि महिला क्या घर से बाहर जाएगी वो करेगी, इन सबको हटाओ और अपने आप को आगे बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए कोनराड संगमा के बारे में, मेघालय के सीएम बने हैं नए, और नेफ्यू रियो के बारे में बात करें, ये नागालैंड के बने। तो देखिए जो भी जहाँ का नया सीएम गवर्नर अपॉइंट होता है, इलेक्शन कमीशन जो भी अच्छी हाईली रिकमेंडेड जो पोस्ट होती हैं अगर उनका अपॉइंटमेंट होता है तो बिल्कुल पता होना चाहिए, पेपर में वो पूछी जाती हैं। ठीक है, एग्जामिनर को सपने नहीं आते, चीजें वही पूछी जाती हैं जो खास चर्चा में रहती हैं। ठीक है, उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे प्रिजकर जो ये प्राइस है 2023 का। ठीक है, तो ये किस फील्ड के लिए ज्यादा दिया जाता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। इस बार ब्रिटिश आर्किटेक्चर है डेविड चिपरफील्ड, जो भी इनका नाम है भैया, इनको दिया जाएगा। ठीक है, और ये दो प्रिजकर जो प्राइस है इसे नोबेल प्राइज़ ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, हर साल बिल्कुल इसको दिया जाता है, और इसमें पैसा जो दिया जाता है $1,00,000 के आसपास दिया जाता है, और ब्रॉन्ज मेडल भी दिया जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे शैलिजा धामी के बारे में, फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू एन IAF इंडियन एयरफोर्स कमांड पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रख सकते हैं। उसके बाद में गाइस देखिए नैनो DAP चर्चा में है, डायमोनियम फास्फेट जो है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो डायमोनियम फास्फेट है बेसिक चीज़ें हैं कि ये कंटेन करता है नाइट्रोजन और फास्फोरस को, और हाई न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होगी नैनो DAP की। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए इसको प्रोड्यूस किया जाएगा नैनो DAP जो है प्रोड्यूस बाई रिड्यूसिंग द साइज ऑफ DAP पार्टिकल्स टू द नैनो स्केल। ठीक है, और फिर ये जो स्मॉल पार्टिकल छोटे जो साइज होंगे, स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स अलाउज फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का जो एब्जॉर्प्शन है प्लांट्स रूट्स जो हैं वो अच्छे से करेंगे, और जब वो अच्छे से करेंगे तो हाई यील्ड होगी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश होती है साइबर क्राइम के ऊपर, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस तेलंगाना। ठीक है, उसके बाद में UP और जो उत्तर प्रदेश और कर्नाटका जो है वहाँ पे डिक्रीज एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको साइबर क्राइम में। और कन्विक्शन रेशियो के बारे में बात करें, कन्विक्शन रेशियो फॉर साइबर क्राइम केसेस रिमेन पुअर, कर्नाटका रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन 2021। ठीक है, इसी के साथ देखिए गाइज अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और हमारी जो PDF है मंथली वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल द हिंदू PIB नोट सर्च कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम।